अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 70 और 175 का बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में आपको पता है कि जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन्हें हमें एक साथ एंड तक डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए, और फिर हम इजिली इसका एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि हम वो मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि 70 और 175 दोनों में कॉमन है और सबसे पहले हमें जो है वो मिल जाएगा, या हम दूसरे वर्डिंग में ये कह सकते हैं कि सबसे छोटा इन दोनों का सेम मल्टीपल है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करना। यहाँ हमारे पास टू वैल्यूज हैं 70 और 175, इन्हें हमें डिवाइड करना है। और डिवाइड के लिए आपको पता है सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि अगर इनमें से कोई वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही है तो उसे हम पहले 2 से ही डिवाइड करें। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में इवन नंबर जैसे कि 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो तो वो वैल्यू 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है। यहाँ पे एक वैल्यू में तो हमें 0 नजर आ रहा है, यानी कि ये वैल्यू तो 2 से डिवाइड हो सकती है, जबकि दूसरी वैल्यू में हमारे पास 175 के लास्ट में 5 यानी कि ऑड नंबर है, इसलिए पॉसिबल नहीं कि ये 2 से डिवाइड हो सके। तो जो वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है पहले हम उसे ही डिवाइड करेंगे और दूसरी वैल्यू को एज इट इज कॉपी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे डिवाइड करना। 2 के टेबल में 7 भी नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 6 और वो किस पर आता है 3 पर। यहाँ हमारे पास असल में तो 7 था, लिया हमने 6 है, एक डिजिट जो है वो हमारा रिमाइंडर है वो चला गया, रिमाइंडर इस 0 के पास और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे, ठीक है। और 175 के लास्ट में 5 यानी कि ऑड नंबर है, इसलिए पॉसिबल नहीं कि ये 2 से डिवाइड हो सके, इसलिए हमने इसे ऐसे ही कॉपी कर दिया। अब दोनों के लास्ट में 5 है यानी कि ऑड नंबर है, इसलिए अब ये मजीद 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। 2 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है जिसमें हम चेक करते हैं कि ये डिवाइड हो सकते हैं या नहीं, वो है 3। 3 के डिविजिबिलिटी हम इस तरह चेक करते हैं कि जितने भी डिजिट्स होते हैं एक वैल्यू में उसको ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद देखते हैं अगर हमारे पास ऐसा नंबर आ रहा है जो कि 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। 3 + 5 = 8, 8 आपको पता है 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 35 तो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं 1 + 7 = 8 और 8 + 5 = 13, 13 भी जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये दोनों वैल्यूज 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। तो हम आगे बढ़ जाएंगे 5 की तरफ। 5 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि लास्ट में 5 या फिर 0 होता है तभी जो वैल्यू है वो 5 से डिवाइड हो सकती है। यहाँ हमारे पास दोनों के लास्ट में 5 है यानी कि ये दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं। 5 के टेबल में 35 बिल्कुल आता है 7 पे, और यहाँ पर है हमारे पास 1, तो 1 तो नहीं ले सकते इसलिए हम स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स लेंगे। 5 के टेबल में 17 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 15 और वो किस पर आता है 3 पे, जबकि यहाँ असल में था 17, लिया हमने 15 है, तो हमारे पास 2 डिजिट जो है वो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर है, वो रिमाइंडर चला गया इस 5 के पास और इसके आगे जाके लग गया और ये बन गया 25। आपको पता है 5 के टेबल में बिल्कुल आता है 5 पे। अभी भी हमारे पास यहाँ जो 35 है उसके लास्ट में 5 है, यानी कि ये वैल्यू 5 से डिवाइड हो सकती है, जबकि 7 जो है वो बिल्कुल भी 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो 7 को हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया और 5 के टेबल में 35 आता है 7 पे। अब यहाँ हमारे पास दोनों 7 आ चुके हैं, 7 खुद प्राइम नंबर है, सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होता है, तो 7 को हमने यहाँ डिवाइड करना है 7 से। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे और 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। ये दोनों वैल्यूज कम्प्लीटली डिवाइड हो चुकी हैं। अब हम इसका फाइंड आउट करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वो किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे, हमें मल्टीप्लाई करना है इन तमाम नंबर्स को जिनसे हमने इन दोनों वैल्यूज को एंड तक डिवाइड किया है। वो कौन कौन से हैं हमारे पास, 2 × 5 × 5 × 7। अब चलिए हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से। 2 × 5 = 10, 10 × 5 = 50 एंड 50 × 7 इज, हम यहाँ रफ़ में मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं कि 50 × 7 क्या होता है, 7 × 0 = 0 एंड 7 × 5 = 35। तो जो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 70 और 175 का वो है 350, यानी कि 350 इन दोनों का ऐसा मल्टीपल है जो कि इन दोनों के टेबल में आने के साथ साथ सेम भी है और सबसे छोटा है। इससे मजीद छोटा इन दोनों का कोई और कॉमन मल्टीपल नहीं है, इससे बड़े और बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन इससे छोटा कोई और कॉमन मल्टीपल इन दोनों में नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।